चलो बच्चों, अपन सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। जो दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो ये सीखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का क्या मतलब और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है ना। अपने को दोनों का मतलब अभी तक नहीं पता, ना बॉइलिंग पॉइंट पता है अपने को, ना ही एलिवेशन पता है। देखो एलिवेशन सिंपल सा एक टर्म है जिसका मतलब होता है बढ़ना, एलिवेटेड, एलिवेट होना, बढ़ना, इंक्रीज करना, ग्रोथ करना। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज होना। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, ये खास बात है, इसकी डेफिनेशन है, बहुत कुछ सीखना है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो पहले सीखते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। देखो इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कोई फील नहीं है कि इस टॉपिक की, ठीक है। देखो आप किसी भी लिक्विड को लो जो वोलेटाइल नेचर का है, उसको एक बीकर में पैक कर लो। अब इसके ऊपर लगा दो ढक्कन, इसकी वेपर्स बनना स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन आप इसको क्या करो, हीट करो। जैसे जैसे आप इसको हीट करोगे तो इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था वो बढ़ना स्टार्ट होगा। आपने जब इस लिक्विड को रखा तो मेरे हिसाब से एटमॉस्फेरिक एयर इसके अंदर रही होगी, जो बाहर एयर थी, जो भी एयर बाहर हुआ करती थी, ये एटमॉस्फेयर आपका, वही एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो भी अंदर रही होगी, क्योंकि आपने इसको वैक्यूम करके थोड़ी बंद किया, आप नॉर्मल प्रेशर पे बंद किया इसको। यहां पर 1 atm प्रेशर है, तो कंफर्मेशन जो एयर है इसकी वजह से 1 atm प्रेशर रहा होगा। प्रेशर ड्यू टू एयर, इस एयर का प्रेशर भी 1 atm ही रहा होगा। अब अपन चर्चा करते हैं इस वेपर का प्रेशर क्या रहा होगा, ठीक है। हाँ, अपन हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे हीट करते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर का वो वैल्यू, हीट करने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अपन बात क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर का वो वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट है जिस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल जो प्रेशर था, यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर इस एयर की वजह से था, उसके इक्वल हो जाए। ये दोनों प्रेशर जब इक्वल हो जाए, ये 1 atm इक्वल टू इसके वेपर प्रेशर, इसका मतलब वो टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। डिफाइन करते हैं तो टेम्परेचर क्या है, दैट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल एयर, या एक्सटर्नल प्रेशर बोल दो, एक्सटर्नल एयर सही रहेगा यहाँ पर, एक्सटर्नल एयर, ठीक है। अभी यहाँ पर एक्सटर्नल एयर क्या था, इसका प्रेशर कितना था, 1 atm था, तो अभी जो वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे 1 atm हो जाएगा, तो इसका मतलब वो टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ गई बात। देखो अब दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किस किस बात पे डिपेंड करेगा, डिपेंडेंसी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात तो लिक्विड पे, लिक्विड कौन लिया है, लिक्विड की नेचर। दूसरी फैक्टर है मतलब इसमें इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कैसे, एक ही लिक्विड की चर्चा करते, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है जनरली 1 atm है। आप 1 atm पे इसको पैक करोगे, यदि एक्सटर्नल प्रेशर आपने कम कर दिया, यदि 1 atm से कुछ कम कर दिया, तो क्या वेपर प्रेशर भी उसे, वो जितना भी आपने कम किया उतना ही लाना पड़ेगा, तो हीट कम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 1/2 atm कर दिया, एक्सटर्नल एयर कुछ हटा दी, तो जैसे यहाँ से एयर हटाऊंगा तो यहाँ प्रेशर 1/2 atm हो गया, तो मेरे को वो टेम्परेचर लाना है जिसपे वेपर प्रेशर भी हाफ हो जाए, तो मेरे को कम टेम्परेचर चाहिए होगा। आगे बात समझ में, तो कम टेम्परेचर भी काम हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही कम आएगा। तो दूसरी डिपेंडेंसी क्या आ गई, दूसरी एक्सटर्नल प्रेशर। तीसरा फैक्टर क्या है, किस पर डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पे डिपेंडेंसी है। यदि इसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब पहले से इसे बहुत अच्छी खासी वेपर बनाई हुई है, तो मुझे ज्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, इसका मतलब इजीली
कम टेम्परेचर में इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने को मिल जाएगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, पहले से उसका वेपर प्रेशर कितना है। यदि पहले से वेपर प्रेशर बहुत कम रहा होगा तो आपको हीट ज्यादा करना पड़ेगा, और यदि हीट ज्यादा करना पड़ेगा टेम्परेचर ज्यादा आएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर है, ठीक है। और ये बात मैंने तुम लोग पहले बताई थी, अपने आइडियल नॉन आइडियल के अंदर इसकी चर्चा कर रखी है। ओके चलो, तो नेक्स्ट अपन बॉइलिंग पॉइंट को सीख चुके हैं क्या क्या। अब एक और एक क्वेश्चन आता है इसमें क्या, कि कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, कि क्वेश्चन आता है इसी पे ही। दूसरा क्वेश्चन आता है हिल स्टेशन पे खाना लेट क्यों पकता है। दोनों अलग अलग बात है। कुकर में इसलिए जल्दी खाना पकता है क्योंकि आप अंदर रखी जो एयर है वो एयर जो है उसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अंदर हीट हो रहा है, हीट होगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया, तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी आपको बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल करने पर वेपर प्रेशर भी ज्यादा लाना पड़ेगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर पर जो कोई चीज रखी हुई है वो ज्यादा टेम्परेचर पर रहेगी तो वो जल्दी पक जाएगी। दूसरा, हिल स्टेशन पे लेट खाना क्यों पकता है। आप हिल स्टेशन पे जाओ तो एयर का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिलता है। यदि अच्छी हाइट पे जाओ तो प्रेशर कम होगा, और यदि प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बढ़ नहीं जाएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो देखो यदि अपन इससे सीखे, यदि वेपर प्रेशर बहुत कम हो गया, सॉरी 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 अपन कुछ गलत कर रहे हैं क्या, एयर का प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो है कम हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो उसकी वजह से एक जो खाना है वो लेट पकेगा। अगली बात समझते, तो ये दोनों क्वेश्चन है जो बनते हैं थियोरिटिकल क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसको सीखा, अब इसको नोट करें बढ़िया से। चलो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है, कैसे एक ग्राफ बनाते हैं जो अपन ने पहले बना रखा था। अपने लिए नया ग्राफ नहीं हुआ ना, अपने लिए पुराना ही ग्राफ है जो अपन ने सीखा हुआ था। देखो अपन ने ग्राफ बनाया किस किस चीज का, यहाँ पे रखा है अपन ने वेपर प्रेशर, यहाँ पर रखा अपने टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ अपन ने कुछ इस तरह से ग्राफ बनाया था, और ये किसका ग्राफ है, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। इस ग्राफ पर वेपर प्रेशर की कोई वैल्यू आएगी तो कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर की वैल्यू 1 atm आएगी, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है। उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर 1 atm हो जाएगा वो इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा क्या, केस का टीबी नहीं होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा क्या, समझ आई बात। जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर अपन ने क्या लिया है, 1 atm ही लिया है, तो वो क्या हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाओगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, ये अपने को पता है, राउल्ट लॉ में अपन ने देखा था, या फिर इसको अपन ने मिक्सिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में देखा था। तो जो नया ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा जिसमें आपने एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स कर दिया है, तो ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ था और ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, और वो सॉल्यूशन किससे बना है, मिक्सिंग ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल के मिक्स करने पे बना है, ठीक है। चलो अब एक चीज देखो आप लोग, यदि अपन चर्चा करें कि बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करें तो इसको अपन वापस 1 atm के लिए एक्सटेंड करेंगे, और जिस टेम्परेचर पर 1 atm वेपर प्रेशर हुआ होगा वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं हुआ क्या। देखो अब इस ग्राफ में ये बॉइलिंग पॉइंट है इसका, क्योंकि इसके साथ ये मैच कर रहा है 1 atm के साथ। ये बॉइलिंग पॉइंट है इस सॉल्यूशन का, क्योंकि इसके साथ 1 atm मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ नहीं गया क्या, एलिवेट नहीं हो गया क्या, समझो इस चीज को, वापस सुनो। क्या किया मैंने, ये ग्राफ बनाया मैंने टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का, जो कि एक प्योर सॉल्वेंट या पानी के लिए बनाया था। जैसे ही पानी में आप
नॉन वोलेटाइल कुछ यूरिया नमक मिलाओगे तो उसका वेपर प्रेशर गिरेगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा कि हर टेम्परेचर की वैल्यू पे, तो उसका वेपर प्रेशर घटा, तो उसी लिक्विड का अब सॉल्यूशन के फॉर्म में ग्राफ ये बन गया। ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए, एक ही लिक्विड का बनाया हुआ है जब वो सॉल्वेंट या प्योर फॉर्म में था, और अब दूसरा कब बनाया जब उसके अंदर नॉन वोलेटाइल बनाया, तो वेपर प्रेशर कम हुआ, तो ग्राफ का जो नेचर था वो वैसे ही रहा लेकिन थोड़ा कम हो गया, वेपर प्रेशर नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं साथ में। तो बॉइलिंग पॉइंट जहां पर 180 वेपर प्रेशर हुआ होगा जिस टेम्परेचर पे, वो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बोलती है। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये रहा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ये रहा, ये दोनों बातें अपने को समझ में आ गई। अब देखो दोनों जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज है वो अपने को पता चल गई है। तो अब क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस है, अब ये बॉइलिंग पॉइंट नया वाला नहीं आ गया कि लिक्विड का, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसको नाम दिया डेल्टा टी बी, इसको नाम क्या दिया डेल्टा टी बी, जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो नया बॉइलिंग पॉइंट माइनस पुराना बॉइलिंग पॉइंट है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने गया है क्या, अपने ही तो चर्चा की थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे नॉन वोलेटाइल है बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ गया क्या। अब एक और चीज देखो, जितना ये डिफरेंस आया होगा क्या बॉइलिंग पॉइंट बाई चांस मैंने बहुत कम मिलाया होता, यदि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कम मिला था तो यहीं कहीं मैच करता, बहुत ज्यादा मिला तो यहां तक आगे, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल मिलाओगे सब्सटेंस उतना ज्यादा ही नीचे जाएगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर उतना ही घटेगा, और जितना ही नीचे जाएगा ग्राफ, जितना ही ग्राफ नीचे जाएगा क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्या, क्योंकि यदि इतना सा नीचे जाता तो यहां जाके मैच करता तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट इतना आता, और यदि थोड़ा और मिलाता तो यहां जाके मैच करता, यहां जाके मैच करता इतना सा इंक्रीमेंट, मैंने इतना सारा मिला दिया तो यहां जाके मैच हुआ तो इतना ज्यादा इंक्रीमेंट आ गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, ये बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू जो वेपर प्रेशर का डिफरेंस आया, वेपर प्रेशर का डिफरेंस पी नोट ए माइनस पी एस। ठीक है, अब एक चीज देखो, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज टू एक्स भी नहीं था क्या, इस चीज को मैं काम में लेता हूं तो क्या हो जाएगा, या पी नोट ए माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी नहीं, क्योंकि पी नोट एक फिक्स सॉल्यूशन के लिए उसका वेपर प्रेशर तो सेम ही रहना है, तो पी नोट ए माइनस पी एस के आगे एक्स बी के इक्वल, तो यहां पर पुट करते हैं डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब जैसे ही वेरिएबल अपन प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो कोई कॉन्स्टेंट आता है, कोई वेरिएबल कॉन्स्टेंट है के एक्स बी। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, डेल्टा टी बी इज टू के एक्स बी, क्या है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अपन बात करते हैं डेल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो फॉर डेल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डेल्यूट सॉल्यूशन में क्या लिख दूंगा, यदि डेल्यूट सॉल्यूशन है इसका मतलब आपने जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बनाया वो बहुत कम है, तो आप एन ए के सामने जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है जो आपने बहुत कम मिला है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रहे हो, तो इसको आप इसके सामने नेगलेक्ट कर सकते हो, सॉल्वेंट के सामने या सॉल्वेंट के मोल के सामने जब नेगलेक्ट करोगे तो ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, इस टर्म को और एक्सपेंड करता हूं, तो के एन बी मोल्स होते हैं क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ, सॉरी अपन मोल्स किसके लिख रहे हैं सॉल्वेंट, ए क्या है सॉल्वेंट, ध्यान रखना अपन बात वही कर रहे हैं यहाँ, सॉल्वेंट कौन है जो अपन शुरू में ही चर्चा करते थे, तो सॉल्यूट कौन है जो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट है बी। ठीक है, ये ध्यान में रखें आप भूले ना, तो देखो एन ए, एन ए क्या है सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको मैं क्या लिखता हूं, के इंटू एन बी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कुछ स्मॉल एम मान लेते हैं अपन, इसको कैपिटल एम मान लेते हैं। ठीक है, और कैपिटल एम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के एम एन बी अपॉन ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ दोनों साइड, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट में, तो के इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एन बी अपॉन डिवाइड बाई 1000 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1000। इसको इसलिए किया था कि केजी में कन्वर्ट हो पाए, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोलैलिटी नहीं होती है क्या, ये मोलैलिटी की डेफिनेशन थी, तो
तो के इंटू एम अपॉन 1000 तो आ गया कॉन्स्टेंट में, और साथ में क्या आ गई मोलरिटी स्मॉल एम। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस पूरे कॉन्स्टेंट को नाम क्या दे दिया, के बी। तो डेल्टा टी बी इज गोज टू के बी इंटू स्मॉल एम, ये फॉर्मूला बना है तो अपने को याद रखना है के बी एम। एम इज मोलरिटी एंड के बी इज कॉन्स्टेंट, एलिवेशन कॉन्स्टेंट। इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इससे बनने वाले क्वेश्चन हर चीज डिस्कस करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो अभी अपने को फॉर्मूला क्या याद रखना है, डेल्टा डी बी इज गोज टू एम के बी। चलो आगे देखते हैं अपन लोग, इसी पे चर्चा करते हैं। तो अल्टीमेटली अपने पास फॉर्मूला क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या डेल्टा टी बी जो पैरेलल चल रहा था इज इक्वल्स टू के बी, इस कांस्टेंट की जगह अपन ने पुट किया है ना एन टू एम। ठीक है, जहां पर डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी क्या है एलिवेशन या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और एम क्या है मोलैलिटी। ठीक है, अब चर्चा करते हैं केबी की। तो केबी का खुद का एक फॉर्मूला है, खुद की एक डेफिनेशन है। तो पहले बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या और डेफिनेशन क्या है, केबी की डेफिनेशन क्या है। पहले नाम भी लिख लेते हैं इसका, क्या नाम लिखा था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, यदि आप मोलैलिटी 1 पुट करते हो सॉल्यूशन की, तो क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट केबी के इक्वल नहीं आ जाता क्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन इज नोन एज मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। क्यों, आप जब मोलैलिटी 1 पुट करोगे तो जो एलिवेशन आएगा वो एलिवेशन ही तो मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि इसकी जगह 1 पुट करो तो डेल्टा टी बी तो केबी बन गया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है के बी इज गोज टू एम तो था इसके अंदर, ठीक है, आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। ये के बी का फॉर्मूला है, इसको एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसका एक नाम है के बी का, जो काफी बार काम मिलते हैं एग्जाम वाले। ठीक है, तो एम क्या है, अपन ने लिखा था मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट था, इसमें काम में भी आया था। ठीक है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट हो गया। टीबी क्या है, अब इस कांस्टेंट में आया है टीबी, टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो अपन सारी चर्चा बॉइलिंग पॉइंट के सॉल्वेंट के लिए चर्चा कर रहे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। 1000 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर सॉल्वेंट। हीट ऑफ वेपोराइज ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कंफर्म होता है कि जो अपन बात करते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तो जो आपने कांस्टेंट डिफाइन किया ना, अल्टीमेटली सॉल्वेंट का ही कांस्टेंट है जो क्वेश्चन वाला क्या पता आपको दे। तो ये जो कांस्टेंट आया केवी, ये केवी क्या है, एक कांस्टेंट है, लेकिन किसके लिए है, फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट। ध्यान रखना, हमेशा एक कांस्टेंट सॉल्वेंट के लिए ही डिफाइन होता है। अब अपन बात करें यदि पानी के लिए, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, और केबी मतलब किस में निकाला जाता है, जूल या कैलरी में, या आपने डेल्टा जूल या कैलरी में रखा, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, टीबी
बॉइलिंग पॉइंट पानी का रखो, हीट ऑफ वेपराइजेशन पानी का रखो, तो केबी का वैल्यू पानी के लिए नहीं आ जाएगा क्या? तो केबी का वैल्यू जो पानी के लिए आता है वो अपन चर्चा कर लेते हैं, वो आता है 0.52। अब डायमेंशन कैसे लिखूंगा इसके, डायमेंशन यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस है, टेम्परेचर के डिफरेंस में आप यूनिट चाहे डिग्री सेल्सियस काम में लो चाहे केल्विन काम में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहती है। अपॉन मोलर नहीं आ जाएगा क्या? तो मैं क्या बोलूंगा, डिग्री सेल्सियस पर मोलर, ये इसकी क्या होगी यूनिट। तो ये पानी के लिए, ये केबी किसके लिए, फॉर H2O। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या पता दे क्या पता ना दे, है ना, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला जो बना है वो मेनली ये बना, एक तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, और केबी की वैल्यू पाने के लिए आपको याद रखनी है। फॉर्मूला कैसे बना है, आपको याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चलो, तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखते हैं अपन, है ना, इसको कैसे अपन न्यूमेरिकल्स में काम में लेंगे, ठीक है। एक छोटी सी टर्म बनी थी वो आपको पता होनी चाहिए, जो ये डेल्टा टी बी है, मतलब बढ़ोतरी है, ध्यान रखना, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो है डेल्टा टी बी। तो नया जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, जितना पुराना था प्लस इसमें डेल्टा टी बी जोड़ दो, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, नया बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी से जो बढ़ोतरी हो आपने जोड़ दी किसके अंदर, जो पुराना था, तो नया आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना आपको। चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, आपने नोट कर लेना है ना, एकदम बढ़िया अपन कुछ एक दो क्वेश्चन लेते हैं इसी चीज पे। चलो क्वेश्चन क्या हो, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विथ कंटेन 180 ग्राम H2O एंड 30 ग्राम यूरिया। मतलब आपको एक लिक्विड है, सॉल्यूशन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बताना है, और उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब क्या क्या मिलाया है। कुछ डेटा आसान करने के चक्कर में इसको 100 ग्राम ले लेते हैं ना, थोड़ा डेटा सिंप्लीफाई हो जाए क्या, बताओ। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पहले सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें फिर मेरा सॉल्यूशन देखें आप लोग। डेल्टा टी वी मतलब कितना बढ़ोतरी हुई है, तो बढ़ोतरी देख लेते हैं कितना है, वो एम के बी के इक्वल आना है। एम का वैल्यू कितना है, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, मोल परसेंट या परसेंटेज, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये सारे कंसंट्रेशन टर्म मेरे कंसंट्रेशन टर्म वाले वीडियो में देखें, उसमें सारा समझ में आएगा, तभी क्वेश्चन अब होंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन करने वाले उसमें मोलैलिटी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। चलो तो एम के बी, एम क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट 30/60, यूरिया का मोल 60 होता है, मास 60 होता है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजिंग, ये आ गया मोलिटी इंटू के बी, के बी की वैल्यू कितनी है 0.52 इज गोस टू डेल्टा टी बी, आ जाना है ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/100, तो ये 5 नहीं आ जाएगा क्या, 1/2 इंटू 10 इंटू 0.52, तो 5 इंटू 0.52, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 2.6, सॉरी 20, ठीक है 2.6 में वैल्यू आई अपने सामने। तो ये 2.6 क्या आया है, इसको यहीं लिख देता हूँ, 2.6 क्या चीज है ये, देखो डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी कितना है 2.6। अब आपको पता होना चाहिए कि पानी की जो तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता होना चाहिए इन जनरल, जब उसको प्योर स्टेट में होता है। तो देखो नया बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, टीबी डेस आएगा कितना, जितना पुराना था प्लस जितनी इंक्रीमेंट या एलिवेशन हुआ है, तो 100 प्लस 2.6
2.6 कितना हो जाएगा, 102.6 डिग्री सेल्सियस। नया बॉइलिंग पॉइंट आ गया पानी का। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। देखो आप लोग, क्वेश्चन करने का तरीका ये देखो, पहले आप लोग ट्राई करो, नहीं होता है तो सॉल्यूशन कंटिन्यू करके देखो। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत कुछ नहीं आनी, एकदम लल्लू से क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो बोलो ये अच्छा क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करो। जैसे अब जो क्वेश्चन दूंगा वो अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है? आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 102.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये आपको गिवन है बॉइलिंग पॉइंट, और पूछा क्या है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा क्वेश्चन है ये, दिया क्या है और पूछा क्या बिल्कुल अलग है। इसने क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज दिस, कोई सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 102.6 डिग्री सेल्सियस। करना क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, मतलब इसको बॉइलिंग पॉइंट से कम कर रखा है सोल्यूशन को, और उसमें इसका क्या निकालना है, वेपर प्रेशर। लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, आपको ये पता होना चाहिए, खास बात है, ठीक है? चलो देखते हैं, देखो क्या चीज है। आप लोग ट्राई करो, नहीं तो मैं सोल्व करता हूँ। इसमें देखो क्या दे रखा है, डिफरेंस इन एलिवेशन बोल रहे, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे की बात है, क्या हो जाएगा, जो पुराना था और जो नया था, यही तो है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर अपनी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो क्या थी, एक्चुअल इक्वेशन यही तो है अपनी, जो नया बॉइलिंग पॉइंट आता है वो क्या आता है, जो पुराना बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या कर दो, जो पुराना बॉइलिंग पॉइंट है उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऐड कर दो, तो ये नया बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता क्या, टीबी डैश। देखो ये क्या चीज है, इसको वापस इक्वेशन काम में लेता हूँ, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या हो जाना है, टीवी डैश माइनस टीवी, इसलिए रहता है कि डेल्टा टीवी वैल्यू निकाले, डेल्टा भी टीवी क्या हो जाएगा, नया बॉइलिंग पॉइंट 102.6 माइनस 100 जो पुराना बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टीवी 2.6 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब डेल्टा टीवी क्या है, जिसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एम के बी होता है, ठीक है, एम के बी, तो डेल्टा टीवी इज टू एम के बी फॉर्मूला लगा दिया, 2.6 इज टू एम, मोलिटी नहीं पता, के बी कितना है, 0.52, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, याद होना चाहिए वैल्यू, तो ये इससे कटेगा। अभी क्वेश्चन में क्या था, दो बार जा रहा है ना, तो एम कितना आ गया, 2, मोलिटी कितनी आ गई, 2 आ गई मोलिटी। अब देखो इसी मोलिटी का मतलब क्या, वो पहले डेफिनेशन से बात करते हैं, जो मोलिटी की डेफिनेशन अपन ने उस वीडियो में देखी है, मोलिटी का मतलब होता है कि या एम मोलिटी है, 2 मोलिटी का मतलब क्या है, 2 मोलिटी का मतलब क्या है, 1 किलो सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 किलो सॉल्वेंट में इसका कितना है, 2 मोल प्रेजेंट है। इससे आइडिया हो गया कि मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 2, एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट 1 kg का मतलब 1000 ग्राम हो गया, तो 55.55 आ गया। अब एक चीज देखो, अपने में निकालना क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस निकालना है, पीएस क्या होगा, पीने का, पर अपने को तो पी नोट ए भी नहीं पता यार, जब प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पता हो तभी तो अपन पीएस निकाल पाएंगे, क्योंकि पीएस बेसिकली है क्या, पीएस इज टू पी नोट ए एक्स, क्योंकि वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल का मिक्सचर है, तो राउल्ट लॉ वाला सेकंड केस, सॉरी फर्स्ट केस लगाया अपन लोगों ने, लेकिन पी नोट ए नहीं पता,
लेकिन खास बात देखो यार, क्वेश्चन वाला दिया है 100 डिग्री, 100 डिग्री टेम्परेचर अपने लिए बहुत खास है, ध्यान रखना ये 100 डिग्री टेम्परेचर अपने लिए बहुत खास है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर। और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये थी, जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है और एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट पे रखा हुआ है पानी को, मतलब उस इंस्टेंट पर यदि प्योर पानी रहा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहा होगा? एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल। एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा? एक्सटर्नल प्रेशर होता है 760 ऑफ mmHg बोल दो, या 1 atm बोल दो, या 10^5 पास्कल बोल दो, या 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो, तो बॉइलिंग पॉइंट पे ही रखा है। तो बॉइलिंग पॉइंट पानी मतलब सॉल्यूशन को बॉइलिंग पॉइंट पे रखा है, तो उस प्योर सॉल्वेंट का ही तो बॉइलिंग पॉइंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी रखा हुआ है, उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर रहेगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल लिया जाएगा। तो इसका वैल्यू, ये बहुत की टर्म है, ध्यान रखना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम में आता है ये चीज, ठीक है? तो देखो अपन इस चीज को काम में लेते हैं। पीएस इज टू पी नोट है कितना है? 760 इंटू एक्स ए, एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो कितना हो गया? इंटू कर दो 55.55 अपॉन 55.55 प्लस 2, ठीक है? बस ऐड कर दो इनको आपस में और क्या बन जाएगा? 760 इंटू 55.55 अपॉन 50, 7.55 जो भी वैल्यू आएगा कंफर्म है 760 से कम ही आएगा, मतलब नॉन वोलेटाइल में आने से कुछ वेपर प्रेशर कम ही हुआ है 760 से, तो ये सॉल्यूशन अपना पी एस जो अपने को सही है। तो इसको सॉल्व करूँ थोड़ी कैलकुलेशन उसके लिए, इसलिए नहीं तो मैं कर देता इसको सॉल्व, ठीक है?